आज का हमारा अध्ययन का जो मुख्य बिंदु है, उपग्रह की गति के अंतर्गत कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध स्थापित करेंगे। उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होगी इसके बारे में देखा जाएगा, और तुल्यकारी ग्रह, तुल्यकारी उपग्रह क्या होती है, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में अध्ययन की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध। चूँकि हम इसके पहले कालखंड में कक्षीय चाल और पलायन वेग दोनों के लिए सूत्र स्थापित कर चुके हैं, व्यंजक स्थापित कर चुके हैं, तो हम जानते हैं कि यदि पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल वी जीरो हो, कक्षीय चाल वी जीरो, ये सूत्र निकाला गया था वर्गमूल जी आर, और पृथ्वी से यदि हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें जिसको हम कहते हैं उस वस्तु का पलायन करना, तो पलायन वेग के लिए व्यंजक निकाला गया था पलायन वेग, इसके लिए व्यंजक निकाला गया था वी ई बराबर अंडर रूट टू जी आर। इसको हम समीकरण एक कहेंगे, इसको हम समीकरण दो कहेंगे। यदि हम समीकरण दो में समीकरण एक का भाग करते हैं, समीकरण दो में समीकरण एक का भाग, करने पर तो इसको हम लिख सकते हैं वी ई अपान वी जीरो बराबर अंडर रूट टू जी आर बटे अंडर रूट जी आर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। या इसको हम लिख सकते हैं वी ई अपान वी जीरो बराबर, पूरे का ले लीजिए, दोनों में अंडर रूट है, ऊपर में भी दिख रही है नीचे में भी दिख रही है, तो एक साथ इसको हम लिख सकते हैं टू जी आर बटे जी आर, जी आर से जी आर कैंसिल, तो यहाँ पर बचा अंडर रूट टू। इस समीकरण को यदि हम ऐसा भी लिखें वी ई बराबर अंडर रूट टू और ये आ रही है वी जीरो, तो ये जो संबंध स्थापित होती है यही है कक्षीय चाल और पलायन वेग के लिए सूत्र या उसमें संबंध। तो इस समीकरण से हम देख रहे हैं कि जो पलायन वेग का मान है वह कक्षीय चाल के रूट टू गुना है, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी वस्तु का जो कक्षीय चाल है पलायन वेग के रूट टू गुना हो जाए, उस स्थिति में जो कक्ष पर जो उपग्रह परिक्रमा कर रही है वह उपग्रह रूट टू गुना होने से, उसकी वेलोसिटी रूट टू गुना होने से वह उस कक्ष को छोड़ करके अंतरिक्ष में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध स्थापित कर सकते हैं। आगे हम देखें उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है। उपग्रह के बंधन ऊर्जा, उपग्रह की बंधन ऊर्जा में हम देखते हैं कि यदि कोई उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, उपग्रह का द्रव्यमान इसको हम ले लेते हैं स्मॉल m, कक्षीय चाल इसको हम ले लेते हैं v0, और परिक्रमा करने वाली जो कक्ष है उसकी हम त्रिज्या ले लेते हैं r, त्रिज्या पथ की त्रिज्या बराबर r, पृथ्वी का द्रव्यमान ले लेते हैं कैपिटल m। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि स्मॉल m द्रव्यमान का एक उपग्रह वृत्ति पथ की त्रिज्या r में कक्षीय चाल v0 से परिक्रमा कर रही है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान हम m माने, तो
परिक्रमा कर रही है उपग्रह, मतलब चूंकि वह गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है तो वहाँ पर उस उपग्रह की क्या निकलेगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकलेगी। चूंकि इस तरीके से हम चित्र में देखें, ये एक पृथ्वी है जिसका केंद्र ओ और त्रिज्या आर, द्रव्यमान को हम ए मान रहे हैं। ये वृत्तिपथ है, इस वृत्तिपथ की जो त्रिज्या है केंद्र से स्मॉल आर है, इस पर इस पथ पर उपग्रह जो है परिक्रमा कर रही है। तो यहाँ पर ये इस गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा में स्थित है, इस कारण इस उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा निकलेगी और वह निकलेगी, लिख सकते हैं इसको, अतः उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, इसको हम U से प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम अपान आर का स्क्वायर। और यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान है उसको लेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल एम, U इक्वल टू माइनस जी एम एम अपान आर का स्क्वायर, ये प्राप्त होती है। आर ये प्राप्त होगा। इसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर चूंकि V0 कक्षीय चाल से नियत कक्ष में क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, गति कर रही है, तो गति कर रही है मतलब वहाँ पर क्या निकलेगा, उसका गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। तो ये भी हम निकाल सकते हैं उपग्रह की गतिज ऊर्जा, उपग्रह की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम कैसे प्रदर्शित करें तो ये निकल जाएगा 1/2 एम वी जीरो का स्क्वायर। चूंकि इस उपग्रह की यदि हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें या कुल ऊर्जा निकालना चाहें तो दोनों ऊर्जाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उस उपग्रह की यांत्रिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा अतः उपग्रह की कुल ऊर्जा, दोनों को जोड़ देंगे। या इसको और एक बार आगे इसको सरल करके देखें फिर इसको हम निकालेंगे, उपग्रह की कुल ऊर्जा यहाँ पे लिखा हुआ है k बराबर 1/2 एम वी जीरो का स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं वी जीरो स्क्वायर बराबर होती है अंडर रूट जी एम अपान आर, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। इस सूत्र को यदि हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा k बराबर 1/2 एम और वी जीरो स्क्वायर के जगह में रखेंगे जी एम अपान आर, या k बराबर हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे 2 आर। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कुल ऊर्जा, अतः कुल ऊर्जा ये बराबर हो जाएगी, इसको हम E से प्रदर्शित करें तो E बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं U प्लस K, या E बराबर हो जाएगा U का मान यहाँ से रखें माइनस जी एम एम बटे आर, और ये हो जाएगा प्लस ये माना आया है जी एम एम बटे 2 आर। इसको सरल करेंगे तो उपग्रह की टोटल एनर्जी निकल जाएगी 2R, और यहाँ से निकलेगा G M M और ये मान रहेगा ऋणात्मक। तो इस तरीके से हम उपग्रह की बंधन ऊर्जा में उसकी कुल एनर्जी या कुल ऊर्जा यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस समीकरण से ये पता चलता है कि जो
उपग्रह की जो स्थितिज ऊर्जा निकाला गया था, उपग्रह की जो गतिज ऊर्जा निकाला गया था, और यहाँ पर जो उपग्रह की जो टोटल एनर्जी निकली हुई है, इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान, उपग्रह का द्रव्यमान और जो परिक्रमा करने वाली जो कक्षा है उसके ऊपर निर्भर करती है। यहाँ पर यदि इसकी हम बंधन ऊर्जा निकालें, क्योंकि ये भी जानते हैं कि जब उपग्रह अंतरिक्ष पर चले जाएगी तो वहाँ उसकी बंधन ऊर्जा का मान क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हम इसको कह सकते हैं, अतः उपग्रह का बंधन ऊर्जा ये हो जाएगी बी इक्वल टू माइनस ई, अर्थात बी बराबर इसको लिखेंगे माइनस, और ई का मान आया है माइनस जी एम एम अपान टू आर, या लिखेंगे इसको बी बराबर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं जी एम एम अपान टू आर। ये जो सूत्र निकलता है वह उपग्रह की बंधन ऊर्जा के लिए सूत्र है। तो यहाँ पर हम बंधन ऊर्जा की सूत्र के हिसाब से इसकी परिभाषा यदि हम देना चाहें तो बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिससे जिस ऊर्जा के माध्यम से, या यदि इतनी ऊर्जा इस उपग्रह को देखते हैं तो यह इस पथ को छोड़ करके कहाँ चले जाएगी, अंतरिक्ष पर चले जाएगी। तो यही बंधन ऊर्जा होती है जो इस उपग्रह को इस कक्षा से बाहर करने के लिए आवश्यक होती है, और यही आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम बंधन ऊर्जा के बारे में सूत्र स्थापित किया और इसकी परिभाषा देखें। आगे हम चलते हैं कि तुल्यकारी उपग्रह क्या होती है। तुल्यकाली उपग्रह, तुल्यकाली उपग्रह की यदि हम परिभाषा देखें तो देख सकते हैं कि पृथ्वी के समीप ऐसा कृत्रिम उपग्रह जिसकी परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होती है, ऐसे उपग्रह को हम क्या कहते हैं, तुल्यकाली उपग्रह के नाम से जानते हैं। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाएगा तो 24 घंटे का समय लेता है, तो इसी तरीके से यह जो तुल्यकारी उपग्रह होती है वह भी अपने कक्ष पर जब एक चक्कर पूरा करती है तो वह भी जो समय लेती है 24 घंटे की समय लेती है। क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा करने का समय और इस उपग्रह की परिक्रमा करने का समय दोनों लगभग बराबर होती है, इसलिए इसको पृथ्वी के सापेक्ष हम क्या कहते हैं, तुल्यकाली उपग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें यदि हम इसकी उपयोगिता के अंतर्गत देखें तो इस उपग्रह की क्या क्या उपयोगिता हो सकती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि तुल्यकारी उपग्रह में और क्या क्या विशेषता हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी विशेषता में चर्चा करें तो तुल्यकारी उपग्रह की विशेषता यह होती है कि यह उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर अपने कक्ष पर जो विषुवत रेखीय तल होती है उस तल पर क्या करती है, परिक्रमा करती है। पहली विशेषता इसकी ये होना चाहिए। दूसरी विशेषता इसके हम ये ले सकते हैं कि इस उपग्रह की जो परिक्रमण काल है वह पृथ्वी पर अपने अक्ष में परिक्रमण काल के बराबर होती है, अर्थात 24 घंटे के बराबर होती है। तीसरी विशेषता हम इसमें ये भी ले सकते हैं कि इसका जो परिक्रमण काल, चूंकि पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर है, इस कारण अपने अक्ष पर परिक्रमा करते हुए यह क्या दिखाई देती है, स्थिर दिखाई देती है, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वह होती है भू स्थायी उपग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। भू स्थायी उपग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस तरीका से जितने भी दूरदर्शन का जो सिग्नल होता है, टीवी जो सिग्नल होती है, रेडियो सिग्नल जो होती है, इसी तुल्यकारी उपग्रह या भू स्थायी उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों तक इसको प्रसारित किया जाता है। इस कारण इसका एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं संचार उपग्रह, संचार उपग्रह के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। तो जितने भी सिग्नल प्रसारित होती है, चाहे वह टीवी हो या रेडियो हो, इसी संचार उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों तक या दूर दूर क्षेत्रों तक क्या किया जाता है, प्रसारित की जाती है। तो ये हो गई तुल्यकारी उपग्रह और उसकी विशेषता के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पार्किंग कक्ष होती है वह क्या होता है।
पार्किंग कक्ष। पार्किंग कक्ष का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो पार्किंग का मतलब होता है किसी भी वस्तु को एक निश्चित स्थान पर क्या कर देना, खड़ा कर देना या उस स्थान पर उसको छोड़ देना। ऐसे स्थिति को हम क्या कहते हैं, पार्किंग करना कहते हैं। तो उपग्रह के लिए भी ऐसी बातें आती हैं, पार्किंग कक्ष की बातें आती हैं। तो यहाँ पर पार्किंग कक्ष की परिभाषा यदि हम देखें तो यदि पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्ष है, इस कक्ष पर यदि कोई उपग्रह परिक्रमा करती है तो इस उपग्रह के परिक्रमा करने वाले जो पथ होती है, जो कक्ष होती है, उसी कक्ष को हम क्या कहते हैं, पार्किंग कक्ष के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह से उस उपग्रह को जब छोड़ा जाता है तो इसकी जो वेग होगी इस कक्ष में आने के बाद में 8 किलोमीटर पर सेकेंड वेग से इस कक्ष पर छोड़ दिया जाता है, और यह जो उपग्रह होती है उस निश्चित कक्ष में क्या करती है, पार्क होने के बाद या पार्किंग होने के बाद में परिक्रमा करते रहती है। तो इसकी परिभाषा क्लियर हो गई, क्लियर हो गई इसकी परिभाषा कि किसी कक्ष में जब भू स्थायी जो उपग्रह होती है वो क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो ऐसे कक्ष को हम क्या कहते हैं, पार्किंग कक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसकी पार्किंग कक्ष की त्रिज्या क्या होगी, इस त्रिज्या के लिए यहाँ पर सूत्र निकालते हैं। चूंकि हम देख रहे हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या को आर मान, इसके द्रव्यमान को हम क्या मानते हैं, ओ मान, इसके द्रव्यमान को हम एम मानते हैं। तो पृथ्वी की केंद्र से ये जो पार्किंग कक्ष की त्रिज्या होगी उसको हम स्मॉल आर माने। सतह से यदि इस उपग्रह की जो ऊंचाई है उसको यदि हम एच मानते हैं तो जो आर का मान निकला हुआ ये क्या है, आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर प्लस एच, ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आर प्लस एच का मान निकालना है जो क्या होगी, इसकी पार्किंग कक्ष की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पार्किंग कक्ष की त्रिज्या, पार्किंग कक्ष की त्रिज्या। पार्किंग कक्ष की त्रिज्या निकालने के लिए हम जानते हैं कि यह जो उपग्रह है वो इस कक्ष पर क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। तो एक परिक्रमा करने में जितनी समय लेगी उस समय को हम क्या कहते हैं, उस उपग्रह के लिए उसकी परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, तो परिक्रमण काल के लिए भी जो सूत्र जो स्थापित किया था पिछले कालखंड में, हम इसको भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे ले सकते हैं कि परिक्रमण काल के सूत्र से, परिक्रमण काल के सूत्र से, जो परिक्रमण काल का सूत्र निकाला गया था उसी सूत्र का यहां पर उपयोग करते हैं। तो यहां पर परिक्रमण काल को चूंकि टी से प्रदर्शित किया जाता है तो यह हो जाएगी टी बराबर 2π/r अंडर रूट आर प्लस एच का घात 3/g। ये परिक्रमण काल के लिए सूत्र यहाँ पर निकाला गया था। ठीक है, इसके यदि हम दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यदि हम दोनों पक्षों में वर्ग करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, t का वर्ग, यहाँ पर 2π/r है तो इसका हो जाएगा 4π/r का वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम वर्ग करें तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं r प्लस h का घात 3/ ये हो जाएगा g। निकालना क्या है अपने को, r, यहाँ पर R बराबर क्या लिखा हुआ था, R प्लस H लिखा हुआ था, R प्लस H अपने को निकालना है। R प्लस H सूत्र में दिख रही है तो R स्क्वायर, यहाँ पर G का घात 3 है, इसको हम इधर ले आते हैं त्रिज्या गुना करके, तो इस सूत्र को हम लिखेंगे लिखा जा सकता है जी का घात 3 टी स्क्वायर है और ये आर का वर्ग है। आर प्लस एच का घात 3 है, जी में कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा टी का वर्ग जी आर का स्क्वायर बराबर, हम इसको ले सकते हैं पाई का वर्ग आर प्लस
एच का घात 3, या इसको हम लिखें आर प्लस एच का घात 3 बराबर 4 पाई का वर्ग और ऐसा लिख सकते हैं इसको टी का वर्ग जी आर का स्क्वायर बटे लिख सकते हैं 4 पाई का वर्ग। चूंकि यहाँ पर त्रिघात है दोनों पक्षों में हम क्या लिखेंगे घनमूल लेंगे, तो घनमूल लेंगे तो यहाँ से ये घात कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में घनमूल लेने पर ये हो जाएगा R प्लस H बराबर ये कैंसिल हो जाएगा घनमूल लेने से। यहाँ हम लिख सकते हैं T का वर्ग G और ये हो जाएगी R का वर्ग बटे 4 पाई स्क्वायर और घनमूल ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1/3 घात। ठीक है, अब यहाँ पर R प्लस एच का मान निकालना, ये जो सूत्र निकला हुआ है R प्लस एच मतलब ये पार्किंग कक्ष की त्रिज्या निकला, इसका नाम कर दीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 पार्किंग कक्ष की त्रिज्या के लिए सूत्र स्थापित होती है। अब यहाँ पर पार्किंग कक्ष की त्रिज्या कितना होता है इसको हम इसका मान निकालने के लिए यहाँ पे देखें, तो चूंकि पृथ्वी की सतह पर जो टी यहाँ पे दिया है वो परिक्रमण काल है और पृथ्वी की सतह पर जो भूस्थायी उपग्रह है उसकी परिक्रमण काल कितनी होती है 24 घंटे होती है, तो यहाँ पर टी का जो मान है वो 24 घंटे हैं। 24 घंटे का मतलब क्या हुआ, 24 गुणित 60 गुणित 60 ये हो जाएगा सेकेंड। जब इसको हम गुना करेंगे तो इसका मान आता है सेकेंड प्राप्त होती है। ठीक है, ये टी का मान निकल गया। इसी तरीके से हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान कितना आता है, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर प्राप्त होती है। और पृथ्वी की त्रिज्या अपने को पता है आर का मान कितनी होती है, 6.38 गुणित 10 का घात 6 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो पाई दिया गया है पाई का मान भी हम जानते हैं, पाई बराबर क्या होती है 3.14। इन सब मान को यदि हम समीकरण 1 में रखें तो जो R प्लस एच अर्थात पार्किंग कक्ष को त्रिज्या है वह प्राप्त हो जाएगी। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रख दीजिए R प्लस एच बराबर टी का वर्ग, टी का मान यहां पर आया है 9.8, यहां पे R है, R का मान है 6.3 गुणी 10 का घात 6 और वर्ग है तो वर्ग लिख दीजिए और नीचे यहाँ पर है 4 पाई का वर्ग, 4 पाई का मान है 3.14 और ये वर्ग हो जाएगी और पूरे का क्या रखा हुआ है 1/3 घात, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे पूरे का घात 1/3। यहाँ पर R प्लस एच का मान इतना आया, इसको यदि हम सरल करें तो R प्लस एच का जो मान निकलती है 42.22 गुणी 10 का घात 6
मीटर प्राप्त होती है। इसको यदि हम किलोमीटर में देखें तो किलोमीटर में इसका जो मान आ जाएगा आर प्लस एच का मान ये आ जाएगा 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है पृथ्वी की केंद्र से उपग्रह की जो दूरी है जिसको हम कह रहे हैं पार्किंग कक्ष, और यहाँ पर R बराबर R प्लस H का मान जो अपन निकालें कितना निकालें 42,220 किलोमीटर। अर्थात पृथ्वी के केंद्र से जो उपग्रह छोड़ा जाता है जिसको हम कहते हैं भूस्थायी उपग्रह या तुल्यकारी उपग्रह, उसकी दूरी कितनी होती है 22,220 किलोमीटर के पृथ्वी की सतह से उसकी दूरी होती है जिसको हम कहते हैं पार्किंग कक्ष की दूरी। यहाँ पर यदि हम उसकी ऊंचाई को निकालना चाहें, एच का मान निकालना चाहें, पृथ्वी की सतह से उपग्रह की जो दूरी होगा उसको यदि हम निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं एच का मान पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई इसको निकालना है तो ये हम निकाल सकते हैं h बराबर पृथ्वी की त्रिज्या में ये जो टोटल मान है उसको घटा देंगे तो ये वाला मान h का मान प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं h बराबर ये मान आया है कितना 42.22 × 10^6 और एच निकाल रहे हैं 42.22 × 10^6 ऋण पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6.38 × 10^6 माइनस कर दिया तो एच का मान निकल जाएगा, दोनों में 10^6 है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 42.22 ऋण 6.38 और दोनों में 10^6 कॉमन है, उभयनिष्ठ निकाल लिए 10^6। इसको सरल करेंगे तो h का मान आ जाएगा, इसमें इसको घटा दीजिए h का मान ये आता है लगभग 35.84 × 10^6 मीटर प्राप्त होती है। इसको यदि हम किलोमीटर में देखें तो किलोमीटर में ये जो मान आ जाएगा h बराबर 40 किलोमीटर ये प्राप्त होती है। तो पृथ्वी की सतह से जो उपग्रह की ऊंचाई है जिसको हम ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं एच का मान कितना आ रहा है 35,840 किलोमीटर। अर्थात पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई जो यहाँ पर जो पार्किंग कक्ष जो है उसकी ऊंचाई कितनी है 35,840 किलोमीटर प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम चूंकि तुल्यकाली उपग्रह के विशेषता से हम जानते हैं कि टीवी जो सिग्नल का जो प्रसारण होता है इसी उपग्रह के माध्यम से होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं संचार उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी की सतह से इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है 35.84 × 10^6 मीटर, अर्थात 35,840 किलोमीटर की दूरी पर वह उपग्रह स्थित है। तो वहाँ से जब सिग्नल भेजा जाएगा, वहाँ से भेजने के बाद में पृथ्वी से पुनः उस सिग्नल का क्या होगा प्रसारण होगा। तो यह जो सिग्नल आ रही है एक बार जा रही है एक बार क्या हो रही है आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो तुल्यकारी उपग्रह की जो सिग्नल जो प्रसारण होता है वह हमारे दूर स्थित जो अलग अलग जगहों हैं वहाँ पर कितने समय में वह प्रसारित होगी। तो इसमें हम निकाल सकते हैं उसका मान निकालेंगे टी या इसको समय। समय का मतलब क्या हुआ, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पृथ्वी की सतह से तुल्यकारी उपग्रह का
तुल्यकारी उपग्रह तक सिग्नल का जाना, फिर वहाँ से पृथ्वी की सतह पर वापस आना, इसमें जितना समय लगता है उसको हम टी से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो टी बराबर यदि हम निकालें तो टी का मान क्या निकल जाएगी, ये जो हाइट है जो निकला हुआ है जिसका मान मीटर में यहाँ पे निकाले हैं 35.84 × 10^6, इसमें हम क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, तो ये निकल जाएगा टी बराबर, यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी की सतह से सिग्नल का उपग्रह तक जाना और वापस पृथ्वी की सतह पर आने में लगा समय, ये निकाल सकते हैं लगा समय, और इसको हम टी से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो टी बराबर हो जाएगा 35.84 × 10^6, इसमें हम क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि दो बार चल रही है, एक बार जा रही है, एक बार क्या हो रही है आ रही है, और चूंकि यह जो सिग्नल होती है प्रकाश के चाल से चलती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है, इससे इसको यदि हम इसको दो बार गुना करके इससे भाग दें तो ये जो टी का मान है ये आ जाती है 0.239 सेकंड, 0.239 सेकेंड, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू 0.24 सेकेंड लगभग, लगभग इतना इसको हम मान सकते हैं। तो टीवी सिग्नल का जो प्रसारण होती है वो 0.24 सेकेंड के बाद, ठीक है, हमको क्या करेगी दिखाई देगी, तो मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सीधा प्रसारण जो होता है किसी भी, जैसे हम मैच का प्रोग्राम देखते हैं, है ना, तो मैच का प्रोग्राम क्या होती है लाइव टेलीकास्ट होता है जिसको हम कहते हैं सीधा प्रसारण कहते हैं, तो वास्तविक घटना घटित होने के कितने सेकंड के पश्चात दिखाई देगी वह दृश्य 0.24 सेकंड का, उसमें क्या पाया जाएगा अंतर पाया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिग्नल का पृथ्वी की सतह से उपग्रह तक जाएगी, वहाँ से फिर पृथ्वी की सतह पर पहुँचेगी, तो कितना समय ले रहा है 0.24 सेकंड का समय ले रहा है, तो कोई भी दृश्य हमको 0.24 सेकेंड के बाद ही वह पृथ्वी की सतह पर क्या करेगी दिखाई देगी। तो ये था तुल्यकारी उपग्रह की विशेषता के अंतर्गत उसकी जो पार्किंग कक्ष होती है उसके बारे में, पार्किंग कक्ष के बाद में उसकी पृथ्वी की केंद्र से दूरी कितना हुआ उस कक्ष की और पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई कितनी हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया गया। अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि तुल्यकारी उपग्रह की क्या उपयोगिता है हमारे दैनिक जीवन में, तो चूँकि हम जानते हैं कि यह पृथ्वी की सतह पर स्थित, पृथ्वी की केंद्र से सतह की जो ऊंचाई है ये कैपिटल आर, जिसको हम पृथ्वी की त्रिज्या माने गए हैं, और पृथ्वी की सतह से यहाँ पर एच ऊंचाई पर रखी गई है, ठीक है, तो दूरदर्शन सिग्नल का जो प्रसारण होता है वो इसी सैटेलाइट के माध्यम से होती है, इसी उपग्रह के माध्यम से होती है, तो सबसे पहले इसका उपयोग हम यही देख सकते हैं कि सिग्नलों के प्रसारण में इसका मुख्य रोल होती है, मुख्य जो है इसका दैनिक जीवन में इसका काम आता है, ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर दूर दूर स्थान तक इसका प्रसारण इसी उपग्रह के माध्यम से संभव होती है। इसमें हम मौसम संबंधी जो भविष्यवाणी होती है इसके द्वारा ही प्राप्त होती है कि आने वाले दिनों में मौसम के बारे में हम क्या देख सकते हैं, तो ये इसी उपग्रह के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। विमान जो चालक होती है उसको दिशा प्राप्त करना होता है, तो इसी जो तुल्यकारी उपग्रह है उसी के माध्यम से क्या करती है दिशा का उसको ज्ञान होता है, जिससे वह सही दिशा पर या सही जगह पर अपने विमानों को क्या कर सके संचालित कर सके या उसको भेज सके। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का जैसे आकार है, पृथ्वी के आकार के अध्ययन करने में भी, या जो इसकी आंतरिक संरचना है कि पृथ्वी के अंदर में और क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं, तो इन सारी घटनाओं का अध्ययन भी हम इस संचार उपग्रह के माध्यम से कर सकते हैं। युद्ध की स्थिति जैसे निर्मित होती, मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में युद्ध की संभावना निर्मित हो, तो ऐसे स्थिति में कि हमको दुश्मनों के जहाजों का पता करना है या दुश्मन के द्वारा क्या चाल चली जा रही इसके बारे में अपने को पता करना है, तो ये जो सैटेलाइट होती है या जो तुल्यकारी उपग्रह होती है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इसी के माध्यम से जासूसी करने का भी काम जो है आती है। इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि वायुमंडल के विभिन्न परतों का अध्ययन किया जाता है, अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है, तो इन सारी घटनाओं के अध्ययन करने में तुल्यकारी उपग्रह
महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह की बात इसमें हम देखें कि ब्रह्मांड में ऐसे क्या क्या किरणें उपस्थित है या क्या क्या किरणें हमारे पृथ्वी की तल पर आ रही है, तो इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, तो तुल्यकारी उपग्रह उसमें सहायक होगी। मानव की जो अंतरिक्ष कार्यक्रम बनती है, अंतरिक्ष में जाने का जो प्रोग्राम बनता है अंतरिक्ष खोज के लिए, तो ये जो तुल्यकारी उपग्रह है वह समय निर्धारण करने में इसकी भूमिका होती है। तो इस तरीके से हम देखें तुल्यकारी उपग्रह का हमारे जो दैनिक जीवन में है, दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आज का जो मुख्य बिंदु था उसमें तुल्यकारी उपग्रह के बारे में पूरे डिटेल में यहाँ पर चर्चा किया गया। इसके बाद ठीक है, थैंक यू।